नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेशम खेती के बारे में। रेशम खेती में क्या होती है दोस्तों? रेशम खेती में दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक जो होती है फसल होती है उसको कहते हैं शहतूती, और दूसरी चीज़ होती है वो कीटक होते हैं। छोटे लार्वा होते हैं, सुंडी होते हैं, बीज होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो वो कीटक को जो है शहतूती फसल खाने के लिए डालना पड़ता है। जब शहतूती फसल कीटक को डालते हैं तो एक महीने में वो कीटक बड़े हो जाते हैं और उसके बाद कोशावस्था में जाते हैं, मतलब कि मुंह से अपने लिक्विड छोड़ते हैं और उससे जो है धागा तैयार होता है। और कोशावस्था जाने के बाद छोटा छोटा कुकुन बनता है, वो कुकुन जो मार्केट में बिकता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होकर उसका कपड़ा बनता है, उसको दोस्तों कहते हैं सिल्क। और इसी को टोटल कहते हैं सिल्क फार्मिंग, यानी कि रेशम उद्योग। तो आज हम जानने वाले हैं कि रेशम की खेती कैसे होती है दोस्तों, सिल्क वर्म की खेती कैसे होती है, मतलब सिल्क फार्मिंग की। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो है विलास गायकवाड़ जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जी जो है 10 साल से ये रेशम की खेती कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस हो गया है। इनको डिटेलिंग में एक एक चीज़ की जानकारी है कि बीज कैसे लाते हैं, उसके बाद बीज को बड़ा कैसे करते हैं, उसके बाद रेशम जो कीटक होते हैं उनको जो शहतूती होती है एक फसल होती है उसका मतलब खाने के लिए पत्ती डालनी पड़ती है, वो कैसे डालनी है, उसके बाद मोल्ट जो होता है मतलब रेशम का वो कैसे आता है, और आखिरी में जो है रेशम तैयार कैसे होता है सिल्क और उसको मार्केट में कैसे भेजा जाता है। तो इनसे हम एक एक सीरीज़ दोस्तों बनाने वाले हैं। आज हम बेसिक जानकारी लेंगे कि शेड कैसे बनाते हैं, शेड कितने बाई कितने का होना चाहिए और एक एकड़ की खेती इसमें कैसे की जाती है। तो दोस्तों देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है जरूर दबाइए। तो सर आप हमें ये बताइए कि एक्चुअली हमारे भारत में काफ़ी दिनों से मतलब मैं देख रहा हूँ कि रेशम की खेती का बहुत सुना है मैंने कि रेशम खेती करो, मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि करो करो करो, लेकिन उतने हिसाब से नहीं बढ़ पाई है जितने हिसाब से रेशम की खेती मतलब ये सिल्क फार्मिंग जो है बढ़नी चाहिए। तो ऐसा क्यों है और ये रेशम खेती क्या है ये भी बताइए। रेशम फार्मर के पास बगैर जाके खेती में आता है जी, और दूसरे है कि मार्केटिंग उसका, जो मार्केट है जो ककुन पैदा होते रेशम का, हाँ जो जो तैयार रेशम होता है वो मार्केट किधर करेंगे वो मालूम नहीं होता, और उसको संगोपन है रेशम का, चार स्टेज है उसका, चार स्टेज जो पूरी जानकारी नहीं मिली तो भी रेशम खेती में वो बचता नहीं फार्मर। इसलिए उसको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि रेशम खेती कैसे करे, उसका स्टेज क्या है और खेती में पत्तियाँ कैसा आता है, उसका खाने का स्टेज जो शहतूती है, शहतूती का जो खाद्य डालता है अपन रासायनिक और सेंद्रिय, वो अच्छी तरह से उसको देना चाहिए फार्म खेती को जी। उसके बाद उसको जो पत्तियाँ पैदा होता है वो सबसे अच्छा पत्तियाँ पैदा होना चाहिए और वो उसका खाना है कीड़ों का वो कीड़ों का खाना जो आप अच्छा डालेंगे तो ककुन अच्छा पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा पैदा, नहीं होगा। तो हमारे भारत में जो है ये कहाँ कहाँ पे होती है रेशम की खेती? भारत में सबसे पहले कर्नाटक में आए जी, और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में आए, लेकिन कर्नाटक में जितने वक्त लगाया कर्नाटक में खेती बढ़ाने का उससे कम वक्त में महाराष्ट्र में खेती रेशम की बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी रेशम की खेती है ना, वो महाराष्ट्र में जो रेशम की जमीन है और क्लाइमेट महाराष्ट्र का बहुत अच्छा है जी, इसके लिए इसकी वजह से महाराष्ट्र में रेशम खेती बढ़ रही है। तो हमें ये बताइए कि रेशम खेती में सबसे पहले क्या होता है, क्या जरूरी चीज रहती है? रेशम खेती के लिए पहले एक एकड़ उसको क्रॉप करने के लिए एक एकड़ खेत चाहिए। एक एकड़ से कम हो तो? एक एकड़ से तो 20 आधा एकड़ से शुरू करता है, आधा एकड़ से शुरू कर सकता है। और जो भी कोई फार्मर है रेशम खेती में आने वाला, उन्होंने पहली बार 4-5-10 एकड़ लगाने की जरूरत नहीं, वो फ्लॉप होगा 100%। जिनको करना है वो एक एकड़ से शुरू करे, 20 गुण आधा एकड़ और ये भी एक एकड़ से शुरू होना चाहिए, वो ज्यादा करेगा वो 100% फ्लॉप होगा। मतलब आपका कहना है कि थोड़े थोड़े से आगे पूरा नॉलेज लेके जानकारी लेके इनमें रेशम खेती में आना चाहिए जी। तो ये शहतूती जो है जो रेशम कीटक खाते हैं, मतलब शहतूती एक फसल है, वो फसल कहाँ मिलती है, कैसे लगानी पड़ती है, और ये रेशम खेती कब होती है, रेशम की खेती जब है कैसे किस टाइम पे होती है? रेशम खेती पूरे साल में खेती में नर्सरी बना के लगा सकते हैं आप, और उसके कलम है काड़ी कलम वो भी लगा कर शहतूती का, हाँ मतलब शहतूती की डंडी मैं भी ले जाके अपने खेत में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो मतलब कब लगाना पड़ता है, तब जाके आगे बीज हाँ डालते हैं? अच्छा टाइम उसका जून जुलाई ये अच्छा टाइम है लगाने के लिए। सातुति का? हाँ आप नर्सरी का पैसा बेस्ट है, कम से कम पैसा खर्चा करके रेशम खेती शुरू करो। मेरे पहला रहने का मकान है हमारे फार्म हाउस हमारा, वो सिंपल है। उसमें मैं बाहर गांव में रह के गया और उस मकान में पहले बनाया 75 अंडी पुंज लेके जी और 15 गुंटे क्षेत्र में तुती लगाया और उसमें उस शेड में स्टार्ट किया। किसी भी खेती करो बैंगन की टमाटर की 3 महीने में पैसा नहीं आता और वो फ्लॉप होता है। फ्लॉप होने के बाद पैसा उसका पूरा लॉस जाता है। इसीलिए अंगूर का और कोई दूसरी खेती है, सोयाबीन गेहूँ हरभरा ये खेती छोड़कर ये खेती ऐसी है रेशम की कि वो 3 महीने में फिर आता है, 3 महीने में फिर आता है और आपके पैसा दे के जाता है। तो महाराष्ट्र में दूसरा कोई पीक इतना अच्छा नहीं आता। जितना शाहतूती आती हाँ है, शाहतूती आता है, एक बैच को आपका नुकसान हो सकता है लेकिन साल में 3 बार आ सकता है। शाहतूती फसल काटने के लिए आती है। हाँ 3 महीने में एक बार काटने के लिए आता है और जो खेती उसको अच्छा पैसा आता है उसको जो मालूम पड़ता है उस साल में 5 बैच निकलता है। सब 4 बैच में निकलता है लेकिन 13 महीने में उसका 5 बार कटिंग हो सकता है, ऐसा वो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा आपका भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब आपने 75 अंडों बीज से स्टार्ट किया, स्टार्ट पंद्रह किया। गुंटा से हाँ आपने स्टार्ट किया था, अब जाके आपने कितने 1 एकड़ तक पहुंचे हैं। पहुंच गया। तो आपने ये शेड कैसे होना चाहिए हमारे लोगों को बताइए, कम खर्चे में कम बजट में कैसे बनाना चाहिए, और आपका ये शेड कितने बाय कितने का है? मैंने पहले पहला शेड था हमारा 10,000 का था, दस बीस हजार का अच्छा एकदम फास्ट आपको नहीं समझेगा, यकीन नहीं हो समझ रहा। नहीं सकता, लेकिन वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी शेड है अभी भी। अच्छा है अभी भी आपके पास? लेकिन वहाँ ज़्यादा शेड, 1 एकड़ का शेड 30 बाय 40 का होना चाहिए और कम से कम खर्चे में मैं सीमेंट का पोल और सीमेंट का पत्रा लगाया है जी सब देखा मैंने शेड यहाँ में, पे पूरा एकदम और आपने। ऊपर भी सीमेंट का पत्रा ही होना चाहिए। कई लोग ऐसा है कि शेड अच्छा बनाए स्टील का पत्रा लगाते, स्टील का पत्रा रेशम खेती के लिए धोखा है, अच्छा उसको सीमेंट का पत्रा ही होना चाहिए। सीमेंट का ही होना चाहिए हाँ ताकि गर्म और अंदर ना हो। हाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है स्टील का पत्रा से, जी और सीमेंट का पत्रा टेम्परेचर कम का हो सकता है। आप जहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो ऊपर पानी डाल के टेम्परेचर कम कर सकते हैं, इसीलिए सीमेंट का शेड होना चाहिए। मतलब रेशम की खेती में सबसे जरूरी चीज जो होती है फसल, जो है फसल फसल शाहतूती, हाँ शाहतूती फसल जरूरी रहती है, उसको पानी देता है, वो साल में 4 बैच आती है। हाँ और इसको जो हम लोग यहाँ अंदर ये पूरा सेटअप है इसमें कीट ला के डालते हैं। डालते हैं। तो महाराष्ट्र के बाहर भी जैसे मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ के लोग कर सकते हैं क्या इसको? कर सकते हैं जिस जगह खेती के लिए पानी है जी उधर और टेम्परेचर कम हो जाता है उस जगह नहीं आता, उसका मतलब ठंडी में। जी और महाराष्ट्र में सभी जगह रेशम खेती के लिए अच्छे है जी और कई जगह पानी कम है राजस्थान जैसा, और यूपी में बहुत ठंडी और बर्फबारी हो सकती है, उस जगह फसल नहीं ले सकते, लेकिन बाकी बहुत कुछ जगह है उधर ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में भी ले सकती है ले लेकिन। सकते हैं, ले सकते और हैं। बरसात से इसको कोई दिक्कत? बरसात का वो सब उद्योग है जो उसका जो पालन पोषण है वो शेड के अंदर है, उसके बरसात का कोई तकलीफ नहीं होती, कोई नहीं होती। लेकिन सिर्फ जो बारिश जो पत्तियां पर पड़ते हैं वो थोड़ा सूखना चाहिए, पानी की पत्तियां उसको नहीं डालना नहीं चाहिए, डालना चाहिए बाकी कुछ अंदर कीटक प्रॉब्लम को। नहीं होता। 1 एकड़ में आप जो है यहाँ हाँ पे कितना जो है कुकिंग जो कहते हैं आप वो हाँ कितना निकालते हैं? अच्छा पत्तियां आप खेती में अच्छा पैदा करेंगे हाँ तो 1 एकड़ में बहुत सारे फार्मर 250 300 अंडे लेके, लेकिन मेरा 400 450 तक अंडा 1 एकड़ में चलता है और कम से कम रेट पकड़े हुए 300 रुपये का, तो 300 के जो 400 अंडे को माल निकलता है कोश। मतलब 300 किलो। हाँ 300 किलो कम से, और उसका आज के हिसाब से 450 400 रेट है तो 1,20,000 हो सकता है, लेकिन कम से कम पकड़ो 300 रुपये तो भी 300 किलो का 90,000 रुपये एक बैच में निकलता है। 90,000 में एक नब्बे बैच हजार निकल जाती है। हाँ कितने दिन की बैच है ये? 30 दिन की बैच होती है, 30 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। तैयार हो और जाते ये बैच अभी आपकी जैसे देखिए मैंने आपकी निकल गई है, आप निकल अभी 10-15 दिन में बैच भरने वाले हैं, उसकी तो हम लोग सीरीज बनाने ही वाले हैं, लेकिन बैच आप भरने से पहले इसको क्या करना पड़ता है, कितना दिन का गैप देना पड़ता है बैच निकलने के बाद?
कई फार्मर 2 एकड़ 3 एकड़ लगा खेती लगाता है खेत में रेशम तुती, हाँ तूती लगाता है। लेकिन क्या होता है उसका एक शेड में 300-400 अंडी पुंज पालन पोषण करेगा तो वो दूसरा क्रॉप इस शेड में 10-15 दिन के अंदर लेना नहीं चाहिए। पहला बैच निकल के 10-15 दिन के बाद उसका पूरा डिसइंफेक्शन नेचुरली होता है, जी और आप कृत्रिम से ये अस्त्र और ब्लीचिंग के स्प्रे करके डिसइंफेक्शन कम होता है, लेकिन नेचुरल होने के लिए 1 महीना लगता है। जी नेचुरली क्लाइमेट से हो सकता है, पूरा खर्च भी नहीं लगता जी और डिसइंफेक्शन 100% होता है। लेकिन तुम कई फार्मर क्या करते हैं 15 दिन में दूसरा खेत में डालते हैं, उसका क्या होता है पहले बैच जब रोग में गई तो उसका इन्फेक्शन होता है। इसके वजह से कम 15 दिन गैप होना चाहिए खेड़ शेड में। 1 एकड़ में अच्छे करेगा तो 1 लाख मिलेगा जी एक बैच के लिए, ऐसा होता है। इसीलिए मैं बच गया रेशम से, 1 एकड़ में मैं 1 लाख रुपये निकलता था, निकालते ही आप एक बैच में। निकलते ही कितने बैच लेते हैं साल में? हाँ साल 13 महीने में 5 बैच निकलते हैं हमारे। मतलब साल भर में आप केवल हाँ 1 एकड़ खेती के 5 लाख पांच निकाल बैच रहे, पांच नया और बैच कोई फसल में इतना कमाते थे आप? नहीं, निकल कैसे ऐसी फसल नहीं है जी, एक में साल में 5 बार पैसा देने की फसल नहीं मतलब है तो उसकी मार्जिन कम है। व्यापारी के रेट बनाते, गन्ना किया तो कारखानदार पैसा उसके लिए बचकर खेती के लिए फार्मर को देता है। सही कह रहे कांटा हैं, मारते हैं 200 kg 1 टन का कांटा मारते हैं, काफी लंबा। फिर बहुत कंपटीशन है और आपके ऊपर वो राज करते हैं। आपकी खेती आप खेती के लिए बहुत काम करते हैं, वो फसल निकलते हैं खेती के लिए। दूसरी कोई खेती है उनमें शेतकरी शेतकरी की तरफ वो लोग सब हेल्पर है, बहुत सही कहा आपने। हाँ फार्मर को हेल्पर की तरफ देखते हैं, लेकिन रेशम खेती ऐसी कि वो हेल्पर नहीं, वो खुद बनाता है खुद मार्केटिंग करता है। रेशम जो फार्मर है वो फार्मर के लिए दिक्कत आते है रामनगर जाने के लिए, तो मार्केटिंग थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन पैसा मिलते। एक रात में वो 10,000 कमाने के लिए आप कारखानदार के पास 1 महीना काम करते हैं। आपने फसल का जो उत्पादन लिया है निकला है वो निकले 1 रात 2 रात लगेगा, 2 दिन लगेगा। रामनगर में जाएगा तो 100 रुपये 150 रुपये 1 kg के पीछे आपको रेट ज़्यादा बढ़ता है। रामनगर कहाँ पे है? रामनगर यहाँ से बेंगलोर के आगे है। अच्छा, भी वहाँ मार्केट है हाँ क्या इसका? हाँ वो बहुत बड़ा मार्केट है, उधर जाके बेचेगा ना तो अच्छा रेट आपके का जो तकलीफ लिए है खेती करने के लिए उसका उधर प्राइस होती है अच्छी कीमत। सुनवाई अच्छी है वहाँ हाँ पे, उधर प्राइस अच्छी होती है। ध्यान नहीं कर्नाटक में दे जो रहे। मार्केट है वो अच्छे चलते हैं, ये फार्मर को अच्छा रेट मिलना चाहिए अपने महाराष्ट्र के। तो शासन ने जो फार्मर की खेती बढ़ा के लिए ट्राई किया है उसके हिसाब से मार्केटिंग की ये जो कोशिश होना चाहिए जी 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 गवर्नमेंट की हाँ वो नहीं हुई। जिन्हों को अपना परिवार अच्छा चलाना है उन्होंने दूसरी कोई खेती नहीं करने की वजह से, दूसरी कोई खेती न करके और रेशम की खेती करना सबसे अच्छा तरीका है। तो एक चीज बताइए, गवर्नमेंट ये शेड को क्या कैसे सब्सिडी वगैरह कुछ देती है क्या? 3 लाख 4 लाख रुपए अनुदान इस खेती में सरकार ने बाप रे, दिया है 1 एकड़ में, 1 एकड़ के लिए शेड के लिए और रोजगार हमें के लिए मनरेगा थ्रू और ना? मनरेगा थ्रू हाँ और जो मटेरियल लगता है रेशम का शेड का साहित्य जो साहित्य लगता है हाँ वो हाँ साहित्य लेने के लिए सब कुछ बहुत शासन ने अच्छे से दिया। अच्छा दिया। तो एक चीज और बताइए कि रेशम का एक्चुअली होता क्या है कि ये मार्केट रामनगर में जाता है, रामनगर से आगे इसका क्या होता है? रामनगर के आगे उधर बहुत सारे रेलर है। रेलिंग मतलब हाँ क्या होता है? रेलिंग का मतलब धागा निकलते ना, ऐसा धागा है ना छोटा छोटा हाँ धागा निकलता छोटे है छोटे उसी का कपड़ा धागा बनता है, निकलता है और धागा निकल के बाद कपड़ा बनता है। मतलब जो रेट मार्केट में चल रहा है हाँ वो भी रीलिंग के ऊपर डिपेंड करता होगा, रेलिंग के सिल्क ऊपर। फार्मिंग पूरा हाँ रेलिंग के ऊपर चलता डिपेंड है, है। मतलब आगे कपड़ा जो मार्केट धागे का अच्छा रेट चलेगा रहेगा तो कोकून का रेट अच्छा चलता है। तो सर आपने आज हमको बेसिक जानकारी बताई कि रेशम खेती क्या होती है, सिल्क फार्मिंग क्या होती है, शहतूती क्या होती है, शेड कैसा होना चाहिए, सब्सिडी कितनी मिलती है, इसमें प्रॉफिट कितना है, साल में आप भी 5-6 लाख रुपया कमा लेते हैं इससे 4 से 5 बैच में। तो थैंक यू सर, आपका शुक्रिया नमस्कार। हमारे चैनल पे आके मार्गदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं, और सिल्क फार्मिंग में जितने भी आपके सवाल है पूरे नीचे कमेंट में फटाफट आप करते जाइए, और हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। पावर है। धन्यवाद।